नमस्कार, स्वागत है आपका किट्टू टिफिन में। और आज हम बनाएंगे पोहा। बहुत ही आसानी से बनने वाला ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। इसको बनाने के लिए हमने लिया है थोड़ा सा किशमिश, काजू, करी पत्ता, प्याज, सरसों, कटी हुई हरी मिर्च, मूंगफली और भिगे हुए पोहे। सबसे पहले हम मूंगफली, काजू और किशमिश को फ्राई करके अलग करेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद हम उसमें मिला देंगे मूंगफली। मूंगफली को 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फ्राई करके उसको अलग से एक बर्तन में निकाल लेंगे। लगातार चलाते रहें। फ्राई किए हुए मूंगफली और काजू बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे पोहे को। अगर आपने कभी ऐसे नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर बनाएं। मूंगफली हमारी तैयार हो गई है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हम अपने काजू के कुछ टुकड़े और थोड़े से किशमिश डाल के 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। इसको लगातार स्टर करें इसको, तो 30 से 40 सेकंड में ये पक के तैयार हो जाएगा। इसको निकाल लेते हैं मूंगफली के साथ में अलग। ये हमारी भुनी हुई मूंगफली और काजू तैयार है। अब उसी तेल में हम थोड़ा सा सरसों चटकाएंगे। सरसों चटकाने के बाद इसमें हम हरी कटी हुई मिर्च और थोड़े से प्याज बारीक कटे हुए और थोड़े से करी पत्ता, ये सबको अच्छे से ट्रांसलूसेंट होने तक भुनेंगे। जब तक प्याज ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता, हल्का सफ़ेद दिखने लगेगा प्याज, उस समय तक इसको भुनना है। इसमें 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा। प्याज हमारा अब लगभग भुन के तैयार हो गया है। इसमें हम हल्का सा हल्दी और नमक देंगे। इसको अच्छे से 30 सेकेंड के लिए फ्राई कर ले मसाले को, थोड़ा कच्चापन निकल जाए हल्दी का। अब इसमें हम अपने भिगोए हुए पोहे ले आएंगे। ये आगे हमारे भिगोए हुए पोहे, इसको अच्छे से मिक्स कर दें। पोहा बनाने के लिए हमेशा मोटा पोहा का इस्तेमाल करना चाहिए। पतले पोहे से अगर आप पोहा बनाने जाएंगे तो वो सब हलवा बन जाएगा, एक भी दाना अलग अलग नहीं होगा। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। पोहा हमारा तैयार है। इसमें हम फ्राई किया हुआ मूंगफली, काजू और किशमिश मिक्स करेंगे और थोड़े से हम रखेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। इसको अच्छे से मिला दें। कितना अच्छा दिख रहा है ये, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। एक बार ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट में शेयर करें। गार्निशिंग के लिए हम थोड़े से अनार के दाने, हरी धनिया की पत्ती और थोड़ा सा नींबू का रस, हल्का सा, इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। पोहा का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। एक बार बनाएं और कमेंट बॉक्स में जो भी हो लिख के ज़रूर बताएं। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ऊपर से थोड़े से नींबू के वेजेस और एक हरी मिर्च,